हैं जिला चिकित्सालय में। यहाँ हमने सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल रोड से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ सर्दी जुकाम बुखार के ज्यादा मरीज आ रहे हैं। हमने नए कोविड के संक्रमण के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि अस्पताल में पूरी तैयारी कर ली गई है और कोई खतरे कोई बात नहीं है। ये वेरिएंट उतना तेज भी नहीं है जिससे लोगों को कोई परेशानी हो और लोग सावधान रहें। उन्होंने ये कहा कि हमारा पूरा स्टाफ पूरा चौकस है और हम पूरी तैयारी से सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन राय से। फिलहाल सर अस्पताल में मरीज किसके ज़्यादा आ रहे हैं? अभी चूँकि ठंड बढ़ गई है तो ज़्यादा मरीज जो हैं अपने सर्दी खांसी जुकाम इसी टाइप में मरीज आ रहे हैं। सर सुना है कोविड का नया वेरिएंट आया है, उसके लिए कोई व्यवस्था की है अस्पताल में? उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं जो भारत शासन के नियम हैं उनको फॉलो करने के लिए हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा सर ये एक बात बताइए, आपकी इस वेरिएंट से कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं है? हाँ ये वेरिएंट उतना तो नहीं है जितना कोविड 19 में हुआ था, ये वेरिएंट माइन्यूट टाइप का है इसलिए घबराने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आपका स्टाफ पूरा चौकस है? मेरा स्टाफ भी चौकस है, डॉक्टर पैरामेडिकल और वार्ड भी तैयार हैं, आईसीयू के 8 बेड भी अपन तैयार कर रखे हैं।